हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो आज हम देखने वाले डेफिनेट इंटीग्रल का एक टाइप जो आपको एग्जाम में 5 मिनट में इजीली 3 मार्क्स दिला सकता है। तो उसमें क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर से हमें सम सॉल्व करना है। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। उसे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ये जो एफ ऑफ एक्स था वहाँ पे अभी हम एक्स के बदले लिखेंगे ये ए प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, और ये एक्स के बदले लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स। तो हमें इस प्रॉपर्टी में क्या करना है, सिर्फ ये जो यहाँ पे एक्स था उसके बदले हम लिखेंगे ये दो लिमिट्स का एडिशन ए प्लस बी और माइनस एक्स। तो उससे जो मॉडिफाइड फॉर्म आएगा उसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे आगे का सम। तो इस टाइप के सम को हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एकदम इजी सी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे है रूट एक्स, यहाँ पे डिनोमेटर पे भी एक रूट एक्स, और यहाँ पे तीसरा टर्म, तो एक दो तीन टर्म। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ये पहला टर्म, यहाँ पे दूसरा टर्म, और ये वाला तीसरा टर्म। तो ये सब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें दिखेंगे तीन टर्म्स। और दूसरा पैरामीटर क्या है, ये लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 7, दोनों का एडिशन होता है 9। तो ये सम में हमें 9 दिखना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है 9, तो 2 प्लस 7 यहाँ पे दिख रहा है हमें 9। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे है 7, तो 4 प्लस 7 कितना हुआ, 11, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 11, या फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 11। और थर्ड पैरामीटर क्या है, यहाँ पे जो डिग्री रहेगा वही डिग्री नीचे भी रहेगा, तो यहाँ पे है रूट एक्स, तो यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है। यहाँ पे है डिग्री 3, तो यहाँ पे भी एक्स का डिग्री है 3, यहाँ पे भी एक्स का डिग्री है 3। तो हमने कौन से तीन पैरामीटर देखे, वहाँ पे तीन टर्म्स होने चाहिए, देन सबका डिग्री सेम होना चाहिए, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसका जो एडिशन है वो हमें यहाँ पे सब में दिखना चाहिए, जैसे कि 2 प्लस 7 हुआ 9। तो हमें सिर्फ एग्जाम में चेक करना है कि आपको दिया हुआ सम ये टाइप में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये टाइप का सम हम कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉपर्टी का यूज करके। तो अभी हमारा फर्स्ट सम क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 अंडर रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सम इस टाइप का है, ये हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे पहले तीन टर्म्स है क्या, एक दो तीन, तीन टर्म्स है, देन सबका डिग्री देखते हैं, यहाँ पे है रूट, यहाँ पे भी है रूट, और यहाँ पर भी है रूट, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और हमारा थर्ड कंडीशन क्या था, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो यहाँ पे 3 मौजूद है, तो हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी। तो क्या था वो प्रॉपर्टी, हम एक्स को क्या रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, सो 1 प्लस 2 माइनस एक्स, सो 1 प्लस 2 बन गया 3, सो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एक्स को। तो यहाँ से दोस्तों अभी ये वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना, नहीं तो आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाओगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1, और अभी हम नया इक्वेशन लिखेंगे जिसमें आएगा आई इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू 2। अभी हम वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे ये ऊपर वाला रूट एक्स क्या बनेगा, मतलब ये एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एक्स, देन यहाँ पे बेस में 3 माइनस एक्स, सो 3 माइनस एक्स के बदले आएगा 3 माइनस एक्स, देन प्लस अंडर रूट में जो एक्स है उसके बदले भी आएगा 3 माइनस एक्स, और इंटू यहाँ पे डी एक्स। तो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो क्या बनेगा, फ्रॉम 1 टू 2 ये ऊपर वाला पार्ट आएगा 3 माइनस एक्स, और अपॉन में आएगा अंडर रूट 3 और ये -3, तो वो कट हो जाएंगे, और ये माइनस और ये माइनस एक्स, तो वो बनेगा प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, और इंटू आएगा डी एक्स। तो अभी इस इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 2। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें जो मिला इक्वेशन 1 और 2 उन्हें हम ऐड करेंगे, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर वाला आए और ये वाला आए वो दोनों ऐड होके बनेंगे 2i इज इक्वल टू, वो फर्स्ट क्या था इक्वेशन फ्रॉम 1 टू 2, वहां पे क्या था रूट एक्स
और अपॉन में था अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड इक्वेशन में क्या था 1 to 2 3 माइनस एक्स अंडर रूट अपॉन में ये अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और इंटू डी एक्स। तो ये ऐड करने के बाद तो अभी इसे हम आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये सम आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे आएगा 2i इज इक्वल्स टू, अभी हम दोनों के लिमिट्स साथ में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे 1 to 2, देन फर्स्ट पार्ट में था यहाँ पे रूट एक्स और बाद में दूसरे पार्ट में था अंडर रूट 3 माइनस एक्स और दोनों का बेस सेम था, वो क्या था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं और इंटू डी एक्स। तो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम बन गया, तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर का और नीचे का पार्ट हम कट कर देंगे। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू डी एक्स। तो अभी ये सम बहुत ही सिंपल बन गया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आता है x और यहाँ पे हमारे लिमिट्स क्या है 1 to 2, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे पहले से ही है 2i। तो अभी हमें बस लिमिट्स पुट करने हैं। तो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, हम पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट देन नेगेटिव साइन देन लोअर लिमिट। सो पहले आएगा अपर लिमिट, सो यहाँ पे मैंने x के बदले 2 पुट किया तो वो क्या बनेगा 2 देन नेगेटिव साइन मतलब माइनस और देन लोअर लिमिट, सो यहाँ पे आएगा 1, सो ये आएगा 2 माइनस 1। सो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बनेगा 1। सो हमारा i का वैल्यू क्या आया 1/2, तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमने इस सम में क्या किया, पहले वो 3 पैरामीटर चेक किए तो उससे हमें समझा कि ये इसी टाइप का सम है, फिर हमने वो प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिला, फिर हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड किया तो उसके बाद में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम मिले तो हमने उसे कट कर दिया। फिर 1 का इंटीग्रेशन आया x, देन हमने लिमिट्स पुट कर दिए और बाद में हमें i का वैल्यू मिला। तो ये बहुत ही सिंपल सम है, इससे हम इजीली 3 मार्क्स एग्जाम में अश्योर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप पे नेक्स्ट सम। तो हमारा नेक्स्ट सम क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 देन 4√sin(x) अपॉन में 4√sin(x) प्लस 4√cos(x) और इंटू डी एक्स। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो दो सम दिखा है उसके साथ और भी एक सम आ सकता है, तो यही है हमारा वो नेक्स्ट सम। तो ये कैसे पहले सम से डिफरेंट है, यहाँ पे ये जो एडिशन था लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ये 4√ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमारा एक पैरामीटर तो कन्फर्म हो गया कि सबका डिग्री सेम है। देन हम सेकेंड क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें पेयर दिखेगा, साइन तो साइन के साथ कॉस आएगा, अगर टैन है तो यहाँ पे कॉट आएगा और सेक रहेगा तो यहाँ पे कोसेक आएगा। ये 3 पेयर याद रखना, क्या साइन के साथ कॉस, टैन के साथ यहाँ पे दिखेगा कॉट और सेक के साथ यहाँ पे दिखेगा कोसेक। और लास्ट चीज जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन, वो हमेशा आना चाहिए π/2। तो हमें बस ये 3 चीजों का ध्यान रखना है, क्या एडिशन π/2 देन सबका डिग्री सेम और यहाँ पे पेयर दिखना चाहिए साइन कॉस टैन कॉट या फिर सेक और कोसेक। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1 देन हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें ये x को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, a प्लस बी मतलब ये दोनों का एडिशन, तो क्या बनेगा वो π/2 और हम आगे लिखते हैं माइनस एक्स, तो हम x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा हमारा नया i π/2 और यहाँ पे 0 देन 4√sin(x) के बदले आएगा π/2 माइनस एक्स।
यहाँ पे बेस में भी सेम, फोर्थ रूट साइन ऑफ पाई अपॉन टू माइनस एक्स, देन प्लस यहाँ पे भी फोर्थ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स के बदले आएगा पाई अपॉन टू माइनस एक्स। तो दोस्तों इस सब में आपको और एक प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए, वो ये है कि साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स वो बनता है कॉस एक्स, और कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स वो बनता है साइन एक्स। तो उससे सम क्या बन जाएगा, जीरो से पाई अपॉन टू, देन फोर्थ रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स वो क्या बनेगा कॉस एक्स, देन अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ अगेन सेम साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स वो भी बनेगा कॉस एक्स, देन प्लस यहाँ पे भी फोर्थ रूट कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स वो क्या बनेगा साइन एक्स इंटू यहाँ पे डी एक्स, और इसको हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो ये भी आया आए। तो अभी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, क्या करेंगे हम एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आएगा फोर्थ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ कॉस एक्स, और अपॉन में यही आएगा फोर्थ रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ साइन एक्स, और फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो जाएगा और सिंपली हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो उससे हमें क्या मिलेगा, टू आई इज इक्वल टू दोनों के लिमिट साथ में आ जाएंगे जीरो टू पाई अपॉन टू। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ रूट ऑफ इक्वेशन वन से हमने यहाँ पे लिखा है फोर्थ रूट ऑफ साइन एक्स, और इक्वेशन टू से आएगा फोर्थ रूट ऑफ कॉस एक्स, और दोनों का बेस सेम ही है फोर्थ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे आया डी एक्स। तो ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट दोनों सेम है, तो हम इन्हें कट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जीरो टू पाई बाय टू, यहाँ पे बचेगा वन और उसका इंटीग्रेशन। तो वो सिंप्लीफाई करके वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स, और उसके आगे लिमिट्स जीरो से पाई अपॉन टू, और यहाँ पे क्या आएगा एल एच एस पे टू आए। तो अभी हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू आई इज इक्वल टू, पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट तो क्या आएगा पाई अपॉन टू, और माइनस लोअर लिमिट सो पाई अपॉन टू माइनस जीरो, सो वो एज इट इज ही आएगा। सो देयरफॉर हमें आई का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई अपॉन ये टू यहाँ पे नीचे आएगा, सो टू इंटू टू नीचे बनेगा फोर। तो हमारा फाइनल आंसर आया आई इज इक्वल टू पाई अपॉन फोर। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर और एक सम, जिसमें हम देखेंगे ये सेकेंड सम में थोड़ा सा वैरायटी क्या आ सकता है। तो हमारा नेक्स्ट सम क्या है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है जीरो से पाई अपॉन टू, वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सब में क्या डिफरेंस है सेकेंड सम के हिसाब से, यहाँ पे हमें दिख रहा है जीरो से पाई अपॉन टू, तो इनका एडिशन हो रहा है पाई अपॉन टू, लेकिन हमें एक दो तीन टर्म्स ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक और दो, ये दो जगह पे डिग्री अलग है, क्योंकि यहाँ पे अगर रूट है तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे रूट चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये पार्ट तो सेम आएगा जीरो से पाई अपॉन टू, देन वन अपॉन ये कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, मतलब अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स, और यहां पे आएगा वन। तो अगर ये वन है तो हमें इसका बेस सेम करना पड़ेगा ताकि हम इन दोनों को ऐड कर सके। तो बेस सेम करने के लिए हमें नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन एक्स से, तो हमने नीचे अंडर रूट साइन एक्स के मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट साइन एक्स से, और इंटू यहाँ पे डी एक्स है। तो अभी क्या होगा, ये अपॉन के भी जो अपॉन में जो पार्ट है वो उन दोनों का बेस सेम बन गया अंडर रूट साइन एक्स, तो वो अपॉन के अपॉन में है, इसके लिए वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट साइन एक्स, और बेस में बचेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो अभी हम लिखते हैं जो हमारा मॉडिफाइड सम बना, तो वो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई अपॉन टू
ये नीचे वाला बेस जो सेम है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो अपॉन के भी अपॉन में है। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट साइन एक्स, और बेस में क्या बचा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो अभी हमारा सम नॉर्मल सम में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमें बस सेम स्टेप फॉलो करना है। तो क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, इसे हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन वन, देन हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिससे हम एक्स को रिप्लेस करेंगे क्या, जीरो प्लस फाइव बाई टू माइनस एक्स। सो जीरो प्लस फाइव बाई टू क्या बनेगा, फाइव पॉइंट टू माइनस एक्स। तो हम एक्स को रिप्लेस करेंगे फाइव पॉइंट टू माइनस एक्स से, तो वो क्या बनेगा, फाइव पॉइंट टू से जीरो तक यहाँ पे साइन ऑफ फाइव पॉइंट टू माइनस एक्स, ये x के बदले, यहाँ पे नीचे भी साइन ऑफ x, तो x के बदले क्या आएगा, पाई अपॉन टू माइनस एक्स, देन प्लस कॉस ऑफ, ये x के बदले आएगा पाई अपॉन टू माइनस एक्स इंटू यहाँ पे dx। तो अभी हमें फिर से वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, क्या साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बनेगा कॉस x, और कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बनेगा साइन एक्स। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू जीरो से पाई पॉइंट टू, क्या आएगा ऊपर, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बनेगा कॉस एक्स, और अपॉन में आएगा फिर से अंडर रूट साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, वो भी बनेगा कॉस एक्स, देन प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बनेगा साइन एक्स और इंटू डी एक्स। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन टू। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो ऐड करने के बाद क्या बनेगा, न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और बेस में भी सेम पार्ट, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो चलिए अब ऐड करते हैं इक्वेशन वन और टू को। सो इक्वेशन वन और टू ऐड करके हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई पॉइंट टू, देन अंडर रूट यहाँ पे आएगा साइन एक्स, प्लस दूसरे इक्वेशन से आएगा अंडर रूट कॉस एक्स, और अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स जो दोनों के बेस में, और ये दोनों पार्ट सेम हो गए इसके लिए वो दोनों कट हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, टू आई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई पॉइंट टू, यहाँ पे वन इंटू डी एक्स। तो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई पॉइंट टू। सो देयर फोर टू आई इज इक्वल टू, अभी हम पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो वो क्या आएगा पाई पॉइंट टू माइनस लोअर लिमिट, सो जीरो विच इज इक्वल टू पाई पॉइंट टू। सो टू आई इज इक्वल टू पाई पॉइंट टू, तो अभी ये टू यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा आई का आंसर। सो अभी आई क्या बनेगा, पाई अपॉन टू नीचे चला गया तो पाई अपॉन फोर। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल का टाइप। तो ये बहुत ही आसान सा टाइप है, तो एग्जाम में जरूर सॉल्व करके आना। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको इस टॉपिक में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।